हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग बीएचयू पाठशाला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ऐप के थ्रू सारी क्लासेस मस्ट वॉच कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है जिसका नाम है नेचर ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की प्रकृति। अगर कोई हिंदी मीडियम है तो मैं उसको बता दूँ, शिक्षण की प्रकृति। तो शिक्षण की प्रकृति क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। और ये चार पांच पॉइंट है, उससे पहले मैं बता दूं कि टीचिंग को लेकर, शिक्षण को लेकर कई महान पुरुषों ने अपनी अपनी एक एक विचार दिया है। उसको डेफिनेशन हम ना कहें तो वो विचार दिया है। जैसा कि ये जो मैंने फोर वर्ड लिखे हैं, इसका देखिए, जैसे बीटर रूट्स स्वीट फ्रूट्स, ये अरस्तु कहता है एजुकेशन को लेकर, अरिस्टोटल जिसको आप कहते हैं, अरिस्टोटल कहता है कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसकी जो जड़ें हैं वो तो आप कह सकते हैं कड़वी हैं, लेकिन जो उसके फ्रूट्स हैं, जो फल हैं, वो काफ़ी मीठे हैं, वो बहुत मीठे हैं, इन्होंने कहा है। फिर गांधी जी कहते हैं, महात्मा गांधी की बात हम करेंगे, उन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है कि मानव को मानव बनाना या मानव बनाने में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। इसका मतलब क्या है, मानव को मानव बनाने में, ये वर्ड काफ़ी इस डीप में अगर हम जानेंगे तो मतलब वही उनके संस्कार को लेकर है, उनके एम को लेकर है, उनके अंदर जो नॉलेज है उसको जगाने को लेकर है, उसी के सेंस में मानव को मानव बनाने। फिर नेल्सन मंडेला कहते हैं, मंडेला का नाम तो सुने ही होंगे, मंडेला कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। तो ओवरऑल ये दो तीन मैंने आपको एक व्यू बताया शिक्षण को लेकर, मे भी आप इसमें से कुछ सुने भी हों पहले से। तो आइए हम टॉपिक पे आते हैं अपने। जैसा कि मेरा जो पहला टॉपिक है वो है टीचिंग इज एन साइंस एज वेल एज आर्ट, जो शिक्षण है वो विज्ञान के साथ साथ एक कला है। इसका मीनिंग क्या है, साइंस इसलिए है क्योंकि हम एक प्रोसेस में पढ़ते हैं, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, क्रम में पढ़ते हैं, और फिर उसके रिजल्ट के लिए भी पढ़ते हैं, तो इन सेंस में, और रिसर्च करके पढ़ते हैं, तो इन सेंस में ये साइंस है। आर्ट क्या है, जब हम जो टीचिंग होती है, जब हम पढ़ाते हैं, तो ये हमारे एक्सपीरियंस, हमारे पहले के कुछ जो भी ऐसे अनुभव हो, फिर हमारी बोलने की आदत हो, कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आर्ट्स होती हैं। जैसे कि पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि आप काफ़ी लाउड पढ़ाएं, उसके लिए काफ़ी आप, मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि उसमें टीचिंग के क्या एड्स हैं और टीचिंग के क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो आर्ट्स है इसलिए क्योंकि ये अनुभवों पर आधारित होती है। टीचिंग इज़ एन इंटरएक्टिव प्रोसेस, इंटरएक्टिव का मतलब जो हिंदी होता है वो होता है अंतःक्रिया, ये अंतःक्रिया है, ये टीचिंग जो है, शिक्षण है, ये अंतःक्रिया है। किनके किनके बीच अंतःक्रिया है उसके बारे में जान लीजिए। ये एक टीचर प्लस स्टूडेंट, टीचिंग जो है वो टीचर और स्टूडेंट के बीच की एक अंतःक्रिया है। इसलिए आप एक सुने होंगे एक वर्ड है कि टीचिंग इज एन आर्ट टू गिव नॉलेज टू स्टूडेंट विथ इफेक्टिव वे। अगर आप कोई कारगर तरीके से, अगर एक टीचर किसी स्टूडेंट को नॉलेज देता है तो वो टीचिंग कहलाता है। इसमें मैं बीच बीच में कई डेफिनेशन बताते चलूँगा आपको, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। थर्ड जो मेरा टॉपिक है वो टीचिंग इज एन ट्राईपोलर, ट्राईपोलर क्या है, ट्राईपोलर का हिंदी मीनिंग है त्रिविमी, त्रिविमी का मतलब क्या है, ये एनएम पेज जी एक शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने इसके बारे में दिया है अपना विचार कि ये ट्राईपोलर है जो टीचिंग है, वो टीचिंग ट्राईपोलर कैसे जाती है, क्योंकि इसमें टीचर है, इसमें स्टूडेंट है, और इसमें सिलेबस है। ये चीज़ मैंने जब आपको पहले सिलेबस वाले दिन डिस्कस की थी तो मैंने बोला था कि मेजर थ्री इम्पॉर्टेंट एलिमेंट या फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग है, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जो, वो टीचिंग इज़ एन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो टीचिंग है एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है, क्योंकि आप टीचिंग के थ्रू ही आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ से आप बीएचयू बीएड कर सकते हैं, या जो आप टारगेट बनाए हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट है। आप, हम क्लास फर्स्ट से एलकेजी से लेकर अगर आज यहाँ तक हैं, पीजी पीएचडी करने जा रहे हैं, तो ये एक डेवलपमेंट है। तो ये हो गया। और जो लास्ट पॉइंट है वो टीचिंग इज़ एन कम्प्लीट सोशल प्रोसेस, ये सामाजिक है, और इसको कहीं कहीं पे और प्रोफेशनल भी कर सकते हैं।
अब ये पेशा भी हो चुका है। और उसके साथ ही पहले टीचिंग को सोशल जो टीचर होते थे उनको सोशल रिफॉर्मर कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो लोग पढ़ाने का काम करते थे और लोगों को एक कह सकते हो शिक्षा की तरफ उनके झुकाव को बढ़ाने का काम करते, इंटरेस्ट को बढ़ाने का काम करते थे। तो ओवरऑल जो आज हमने नेचर ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ा है वो यही है। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में भी चर्चा करेंगे। तो आज मैं जो पहली वीडियो है इसको थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और काफ़ी अच्छा आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए मैंने काफ़ी इसको शॉर्ट रख रहा हूँ। नेक्स्ट क्लासेज में हम इसके और जैसे नेचर की बात की है, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, फिर उसके बाद लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे, टीचिंग एड्स आएगा, तो इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।